डॉक्टर जी, HIV बीमारी वाली स्त्री शादी कर सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है, क्या HIV पुरुष मैदुन में भाग लेने से कमजोर पड़ेगा? HIV, इसी को बोलते हैं एड्स की बीमारी। आजकल बहुत अच्छे दवा आ गई है। ये दवा लेने से एक साल में कितना भी वायरस हो, उस बीमारी की वायरस वो तो डिसअपीयर हो जाएगा, वो तो काम में नहीं बनता, वो तो उसका कोई भी एक्शन नहीं होता। एक साल में CD4 काउंट बढ़ेगा, HIV वायरल लोड बहुत अनडिटेक्टेबल कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जो करेक्ट मेडिसिन लेता है उसको वायरस भी बहुत तक कम हो जाती है। इसलिए आजकल जो एड्स की बीमारी आदमी होते हैं, औरत होते हैं, वे तो उनमें इन्फेक्टिविटी अलग पर्सन को, अलग आदमी को, उनसे एड्स की बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि उनमें दो HIV वायरस होता है, वह HIV वायरस बहुत कम हो जाता है। सो इसलिए उनमें से इन्फेक्टिविटी दूसरे पर्सन को वह बीमारी संक्रमण नहीं होता। इसलिए HIV बीमारी वाली महिला शादी कर सकती है, बच्चों को भी जन्म दे सकती है, क्योंकि वह तो बीमारी वाली होती है। HIV बीमारी तो रहेगी, वह तो जीवन भर वह तो दवा लेती ही रहना है, लेकिन उनमें जो कुछ वायरस रह जाते हैं वो तो उससे भाई उस बच्चे को, उसको जिस गर्भ शिशु होते हैं, वो गर्भ शिशु को संक्रमण नहीं होता। वो वायरस एड्स बीमारी वाली वायरस माता से शिशु को संक्रमण नहीं होता। इसलिए एड्स बीमारी वाली महिला बच्चों को जन्म दे सकती है। वैसे ही पुरुष एड्स की बीमारी वाली होता है, दवा लेने से 6 महीनों में या 1 साल में बहुत तंदुरुस्त बन जाता है, लेकिन तो बराबर जीवितांत तो दवा लेना है, जीवितांत लेते रहना है, लाइफ लॉन्ग लेते रहना है, लेकिन उससे और एक पर्सन को वो बीमारी संक्रमण होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए पुरुष जिसको एड्स की बीमारी होती है वह तो शादी कर सकता है, वह तो बच्चों को जन्म दे सकता है। इसे पूछ हुए का एड्स की बीमारी की वजह से वह तो उसकी तबीयत नहीं, सेक्स में भाग लेने से उसकी तबीयत बिगड़ेगी नहीं, वह कमज़ोर पड़ेगा नहीं, लेकिन बराबर हर रोज़ वो दवा तो लेते ही रहना। ऐसा ही नहीं, हर 6 महीने को एक बार CD4 काउंट को जांच कराना और HIV वायरल लोड को जांच कराना, जांच करके ये उसके प्रकार के दवा चेंज करना है, डॉक्टर के पास जरूर जाना है, वो तो लाइफ लॉन्ग करते हुए ये चाहे तो जब कभी कभी डॉक्टर तो उनको दवा तो वो भी चेंज करते हैं आवश्यकता पर देखकर। इसलिए तो एड्स बीमार होने पर भी शादी कर सकते हैं, बच्चों का जन्म दे सकते हैं। Please download Samaram Multichannel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel and activate the bell icon.